हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही शकुन अपशकुन की मान्यता प्रचलित है। आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि अपशकुन हो गया। किसी ना किसी काम को करते टाइम कुछ छोटी मोटी घटनाएं तो जरूर होती है। अगर इन घटनाओं को हम सही तरह से समझेंगे तो हम भविष्य में होने वाली बातों को समझ सकते हैं, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लग सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन घटनाओं का संबंध सीधे भविष्य से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितनी भी घटनाएं होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए फायदे, नुकसान, सफलता और असफलता के बारे में बता सकती है। यही कारणों की वजह से ठीक आने को, बिल्ली का रास्ता कट जाने को इन सारी बातों पर विश्वास तो रखते ही है। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा सुख में रहे, हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो ऐसे उपाय अपनाने लगते हैं जिससे कि आपको हर समस्या से निजात मिल पाए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम हर समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में हुई अनचाही चीज़ों से हमें किसी न किसी बात का संकेत तो अवश्य देती है, जैसे कि हाथ से किसी बर्तन का छूटना, या फिर कांच का टूटना, या फिर दूध का उबालना, उबलने के बाद बाहर निकालना। तो आज आपको यही बताने जा रहे हैं कि हाथ से पानी गिरना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हाथ से पानी गिरता है तो ये क्या संकेत देता है, मतलब पानी का गिरना ये शुभ होता है या अशुभ। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पानी का ग्लास हाथ से गिरना ये क्या संकेत होता है? तो जी हाँ दोस्तों, पानी जब हम पीने को लेते हैं और हाथ से गिर जाता है तो इसका क्या संबंध होता है? तो दोस्तों, पानी का गिलास हम लेते हैं तो गिर जाता है तो इसका सीधा संबंध हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं पानी का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, जीवन के निर्माण के लिए पांच तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व, यानी कि पानी। दोस्तों, जल मूर्त वस्तुओं में सबसे ज़्यादा मूल्यवान और चमत्कारी है। तो दोस्तों, पानी से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता बल्कि उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता निर्धारित होती है। तो दोस्तों, जल यानी कि पानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। यही वजह है कि जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की भी क्रिया की जाती है। तो दोस्तों, शरीर का जल तत्व यानी कि पानी का तत्व आपके शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। तो दोस्तों, पानी के प्रयोग से वास्तविकता और काल्पनिक दोनों को समस्या दूर की जा सकती है। तो जीवन में पानी का सही और संतुलित प्रयोग आपके स्वस्थ और विष मुक्त रखता है। तो दोस्तों, ये भावना को बहने से नियंत्रित करता है और आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो दोस्तों, पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करने से आप स्वस्थ रहेंगे। दिन के समय ज़्यादा पानी और रात के समय कम पानी पिए। खड़े होकर और एक बार में ढेर सारा पानी ना पिए। सामान्य तापमान को पानी ही औषधि और जीवन की भ्रांति कार्य करता है। तो दोस्तों, पानी ही रक्षा और संरक्षण से चंद्रमा और मन दोनों को मजबूत करता है। तो दोस्तों, यदि आप पानी पीने लेते हैं ग्लास और गिर जाता है तो उसका सीधा संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से आता है। जी हाँ दोस्तों, पानी मुख्य रूप में चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। तो दोस्तों, कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल ग्रह से भी होता है। तो दोस्तों, यदि आप पानी का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। अगर पानी का सही प्रयोग न किया जाए तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप पानी हाथ से गिर जाता है तो ये अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे हमारा चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, जब भी आपके हाथ से पानी गिरता है तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो जाते हैं। इसके वजह से आपका मन असंतुलित हो जाता है, मतलब मानसिक टेंशन आ जाता है और आपका तबीयत बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और घर में पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। तो मतलब भगवान ये संकेत दिलाते हैं कि यदि आपके हाथ से पानी का ग्लास गिरता है तो आपके घर में कोई बीमार पड़ सकता है, आपको पैसे की अड़चन आ सकती है। तो इससे आपका चंद्रमा शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इससे बचने के लिए आप सोमवार को
महादेव के मंदिर में जाइए और वहाँ पर पानी और जल चढ़ाइए। चाह दोस्तों, सोमवार को महादेव मंदिर में जाइए और वहाँ पर भोलेनाथ के ऊपर मतलब शिवलिंग के ऊपर आप पानी और जल चढ़ाइए। इससे आने वाले संकट टल सकते हैं, मतलब आप आपके घर में आने वाली पैसों की तंगी है तुरंत उससे राहत पा सकते हैं और आपके घर में जो बीमार पड़ने वाला है वो साधारण तरीके से ठीक हो सकता है, मतलब बड़ी परेशानी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, पानी गिरने से ये संभावना होती है कि पैसों की तंगी और घर में कोई बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।